हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मुझे उठने में थोड़ा देर हो गया, थोड़ा नहीं ज्यादा ही देर हो गया, क्योंकि अभी बजा है करीब 11:30 को उठा। उसके बाद फ्रेश होके निकल गया। मतलब अभी वैक्सीन का चेक करूंगा। मतलब मैं तो बूस्टर वाला दे दिया, मैंने और मम्मी और भाई ने दे दिया बूस्टर वाला, तो पापा का बाकी है। तो पापा का इधर ही चेक करेंगे आज दे रहा है या नहीं। और दीदी भी सेकेंड डोज वाला देगी, क्योंकि दीदी ने पहले वाला डोज दिया नहीं था, क्योंकि बाबू बहुत छोटा था, तो इसके वजह से अभी वैक्सीन दे मतलब चेक करेंगे जाके। ये कुछ बोल रहा है, अपने बारे में बता रहा है कुछ, तो इधर जाके हम लोग चेक करेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे। अगर देता है तो उन लोगों को बुलाऊंगा। क्या बोलेगा ये? बोले दीवना। तो इधर जाके चेक करते हैं, इधर ही है। तो दीदी और पापा आएंगे या नहीं वो तो पता नहीं, क्योंकि उन लोगों को टाइम लगेगा, और आज का कैपेसिटी बस 20 लोगों का ही है। तो मैं उधर से आ गया, उधर रह के क्या करे, वो लोग आए नहीं। अब तक 6 लोगों का हुआ उधर वैक्सीन देना, और वो लोग जब आएंगे, अगर आप आते हैं मतलब जल्दी 20 लोगों से पहले, तो दे पाएंगे, नहीं तो दे नहीं पाएंगे। मैं भी जाता हूँ उधर ही, दीदी के इधर। पापा का भी लेट होगा आने में। अभी दीदी बोली वो आएगी, तो उसके लिए फिर से जाओ, मतलब उधर जाना होगा, झमेला। पहले बोलती है आएगी नहीं, लेट होगा, अभी बोल रही है आएगी। तो मैं फिर से जा रहा हूँ खाना खाया नहीं था, तो खाना खा के उधर जा रहा हूँ मैं अभी। तो दीदी आएगी, दीदी के लिए वेट करेंगे, उसके बाद दीदी का वैक्सीन देंगे, उसके बाद पापा का बात है, अगर वैक्सीन बचता है तो देंगे, वरना नहीं बाद में देंगे। अब दीदी देगी सेकेंड डोज, अपनी सेकेंड डोज दीदी सेलिब्रिटी। तो अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं निकल गया बाहर और दीदी को दे रही है। अभी दीदी के बाद शायद जीजू देंगे, और पापा तो आए नहीं, तो जीजू देने के बाद जाएंगे हम लोग उधर दुकान पे। तो अभी सबका हो गया, दीदी भी आई, उसके बाद पापा भी आए, तो दोनों का हो गया, तो इधर काम खत्म। और जीजू भी आए थे, तो जीजू ने भी दिया, तो तीनों ने दिया। अभी दीदी का सेकेंड डोज था ये, तो दे दिया सभी ने, खत्म। अभी गेसी कौन गेसी, हाँ तो हो गया, तो कंप्लीट हो गया। दीदी का बस एक डोज बाकी है, बूस्टर वाला बाकी खत्म। अभी मैं घर में जाके फिर दुकान पे जाऊंगा शायद नहा धो के। तो मैं जीजू के इधर आ गया, मतलब दुकान पे आ गया। आज दुकान का मतलब साफ सफाई चल रहा है, इधर पेंटिंग चल रहा है ऊपर, मतलब कलरिंग चल रहा है, इधर साफ सफाई हो गया। मतलब सारा सामान लेके गए बाहर, नहीं एक बाहर का रूम है उधर लेके गए, इधर तो नहीं है, सब उस साइड में लेके गए, सब जो कुछ भी है सब कुछ इधर लाके रख दिया। सब कुछ नहीं, बहुत सारा सामान अंदर ही है, बहुत सारा सामान लाया नहीं, तो बाकी बहुत सारा है अभी भी अंदर, यह सभी सामान अंदर जाएगा। तो इधर पार्सल आया है, किसका क्या, दीदी का पार्सल आया है, लेकिन क्या है पता नहीं। अभी मैं जाऊंगा बाल काटने, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो मैं जाऊंगा बाल काटने, अगर स्कूटी से जाऊंगा। तो दुकान से आके सैलून पे गया था, क्योंकि पूछा था कि उधर खाली है क्या जगह, तो बोला खाली है, एक जगह खाली है। तो अभी घर पे आके स्कूटी रख के उधर जा रहा हूँ, सामने ही है, उधर जाके काटूंगा, फिर नहाऊंगा, फिर जाऊंगा दुकान पे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तब ज़्यादा देर नहीं होगा, जल्दी काटेगा। एक ही बंदा है जिसको काट रहा है, अभी काट रहा है ना, मतलब बाल काट रहा है जिसका, क्या बोलता हूँ मैं, बाल काट रहा है। इधर से जाएंगे अभी, अपन काटेगा बाल, इधर हो चुका है अपन का नंबर। तो आ गया बाल काट के, और बहुत ज्यादा छोटा कर दिया साइड वाला, मारने को बोला ही नहीं, एक बार मार दे, एक में एक मतलब साइज एक कर दिया, दो में मारता था मैं यूजुअली, से नॉर्मली मैं दो में मारता हूँ, लेकिन एक में काट दिया। अभी क्या ही कर सकते हैं, अभी जाते हैं नहाते हैं, फिर जाएंगे दुकान। तो बाल काट के आके नहा लिया, और अभी फिर से जाऊंगा दुकान में, क्योंकि खाना इधर नहीं खाऊंगा, खाना दीदी के उधर जाके खाऊंगा, यानी कि दुकान में जाके खाऊंगा, दुकान पे तो नहीं, दीदी के इधर जाके खाऊंगा। तो चलिए जाते हैं, स्कूटी बाहर ही है। ऐसे ही टाइम पास करके काफी बोर हो गए थे, अभी हम लोग चढ़ेंगे छत पे, क्योंकि इतना बोर हो या छत पे उठ के, छत पे चढ़ के हम बेल पत्ता मारेंगे, बेल पत्ता, क्योंकि काफी सामने है बेल पत्ता,
ये रहा बेल पत्ता काफी सामने, अभी हम लोग बेल पत्ता तोड़ेंगे। या दूर से दूर फुट के दूर बड़े, इधर ये बेल पत्ता एकदम सामने, अभी कल के लिए बेल पत्ता तोड़ेंगे। इतना सामने है बेल पत्ता एकदम सामने, समझे ना, हो ना, मतलब छोटे बच्चों को लेके ऊपर चढ़ना काफी रिस्क है क्योंकि वो दौड़ता रहता है, काफी दौड़ता रहता है इधर से उधर, क्योंकि सामने इधर तो कुछ कुछ भी नहीं है इधर, तो हम लोग नीचे जाएंगे, तो हम लोग नीचे जाएंगे। अभी हो गया ऊपर का काम, अभी नीचे जाएंगे क्योंकि और ऊपर नहीं रह सकते क्योंकि वो ये बहुत ज्यादा दौड़ता रहता है ऐसे ही। दुष्टोपाजी चलते है नीचे, ऊपर है के कोई भी काम नहीं छे। मतलब अभी रूम पूरी तरीके से साफ हो चुका है, कुछ भी नहीं है, अभी कलरिंग भी चल रहा है इधर, अभी तक कुछ अच्छे से हुआ नहीं। और इधर एको होता है क्योंकि कुछ भी सामान नहीं है, इसकी वजह से एको होता है। हेलो 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 हेलो, देखा एको होता है इधर। आधा हो गया आज का, आज के लिए खत्म हो गया, कल करेंगे काम। इधर धूल मिट्टी सब कुछ, और इधर हम। तो अभी तो शाम हो गया, कुछ खाएंगे और खाना बनाएंगे चाउमीन। तो इधर हमने नया सिलेंडर लगा के फिर से गैस ऑन कर दिया, कितना मेहनत, चाउमीन खाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। तो हुआ यू कि हम लोग तो बनाने वाले थे नॉन वेज वाला चाउमीन, लेकिन उधर का सिलेंडर इधर लाके लगा दिया, तो अभी भेज ही बनाएंगे क्योंकि अभी ये लेके उधर लगाएंगे, ज्यादा पसीने आएगा, मुझे तकलीफ होगा, तो इधर ही नॉन वेज वाला नहीं वेज वाला चाउमीन बनाएंगे। और सब कुछ काट लिया इधर, इधर टमाटर, इधर प्याज हो गया, अब इधर ही जो बनाना है इधर ही बनाएंगे, वो वेज चाउमीन, वेज वेज होने देते हैं ये पहले बॉइल। कुछ भी नहीं है, फैन भी नहीं है ऊपर, इसकी वजह से काफी ज्यादा पसीना आ रहा है और गर्मी भी काफी ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन इस गर्मी में ऐसे पसीना पसीना भी, मैंने अच्छे से बना लिया चाउमीन। अभी इसको सर्व करेंगे, कैसा होता है दिखता है या नहीं? हाँ दिखता है, अभी देखते हैं कैसा होता है, दिखते हैं क्या, खा के पता चलेगा मुझे कैसा हुआ। तो हमारा चाउमीन रेडी हो चुका है, अभी खाएंगे। मेरा चाउमीन ये कैसा होता है, टेस्टी। अपुन सो गया, सो ही गया अपुन, और मेरे साथ ही ये ओमो सोएगा, अपुन सोएगा, क्या मस्त नींद आता है, ऊपर है हवा और नीचे मस्त नींद। तो अभी मैं दीदी के घर से इधर आ गया घर पे, उधर ही खाना खाया था मेरे साथ, भाई भी गया था तो भाई ने खाया और मैंने खाया, दोनों आ गए। अभी बजा है करीब 11:30, मतलब 11:30 बजा है। तो अभी मैं ब्लॉग को एडिट करूंगा, मतलब पहले वाला ब्लॉग को एडिट करूंगा और फिर कल अपलोड करूंगा। तो अभी के लिए मैं ब्लॉग एडिट करता हूँ, तो आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।